बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वीवर। ख्वाबों की ताबीर चैनल में तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ख्वाब में साफ पानी में नहाते देखने की क्या ताबीर है। मगर इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। ख्वाब में साफ पानी में नहाना। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब में साफ पानी में खुद को नहाते देखा है तो बीमारी से शिफा पाने पर दिलालत करता है, और अगर तंदुरुस्त देखे तो कामयाबी हासिल होने की दलील है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि मीठा पानी पिया है तो उम्र के लंबा होने पर दिलालत करता है और नेक बख्ती नसीब होने की दलील है। अगर देखे कि दरिया का पानी देखा है तो बादशाह वक्त या हुकूमत से फायदा हासिल होने की दलील है, नफा पाने पर दिलालत करता है। ख्वाब में गदला यानी गंदा पानी देखना या पीना बीमार होने की अलामत है, बायस परेशानी है। अगर देखे कि दरिया का सारा पानी देखा है तो हुकूमत हासिल होने पर दिलालत करता है या सिरदारी मिलने की दलील है, इज्जत और दौलत पाने पर दिलालत करता है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब में पानी पंप से पीते हुए देखा है तो गैब से रिजक हासिल होने पर दिलालत करता है, सितारी मिलने की दलील है, और अगर बीमार ये ख्वाब देखे तो उसके लिए इस ख्वाब की ताबीर ये है कि वो बीमारी से शिफा पाएगा। अगर साहिब ख्वाब देखे कि दरिया का पानी साफ देखा है तो बादशाह आदिल होने पर दिलालत करता है। साहिब ख्वाब अगर बीमार है तो ताबीर है कि सेहत पाएगा, खुशी और नेमत हाथ आने पर दिलालत करता है। अगर देखे कि दरिया के पानी में नहाता है तो बीमारी से शिफा पाने पर दिलालत करता है, दौलत और इज्जत से सरशार होने की दलील है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें और लाइक करें, और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।